Friends, I am Priyank Tripathi. Welcome to my YouTube channel, Tripathi Preparation Classes. So today we start our new chapter, motion. Okay? So when we talk about the motion, it's very necessary to know what is motion. Okay. So what is motion? We write motion. Motion is a phenomena in which body changes its position or place. In which body changes its position or place with respect to time. Okay, object changes its position or place with respect to time. मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समय के उपरांत अपनी पोजीशन या फिर प्लेस जगह बदलती है तब हम उससे जान सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है मोशन कर रही है. ओके अगर वो ऑब्जेक्ट एक समय के बाद भी एक कुछ मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समय के बाद अपनी जगह या फिर पोजीशन में चेंज कर रही है, अपनी जगह प्लेस या पोजीशन मतलब कि वो जिस स्थिति में है उस स्थिति को चेंज कर देती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ खड़े हैं उसके बाद कुछ देर बाद अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम मोशन में हैं. ओके ये हमें पता कैसे चला कि एक पर्टिकुलर टाइम में मतलब हम यहाँ पे थे तो कुछ टाइम के बाद हम यहाँ आ गए, ये क्या हुआ मोशन हुआ. या फिर जरूरी नहीं है कि हम अपनी प्लेस ही चेंज करें, हम एक जगह रह के भी मोशन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि सीलिंग फैन, हम लोग देखते हैं सीलिंग फैन हम लोग जहाँ लगा देते हैं वो वहीं का वहीं लगा रहता है, बट उसके पंखे पर जो होते हैं वो ऑलवेज है मोशन. पर पंखे हमारे किस टाइप का मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं. पंखे के पर जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं. ओके अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक जगह के बाद अपनी पोजीशन चेंज करें या प्लेस चेंज करें तभी वो मोशन होगा. ओके और हमें एक मोशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और कहाँ कहाँ देखने को मिलता है इसके लाइव एग्जाम्पल्स हैं. अगर हम साइकिलिंग कर रहे हैं मान लीजिए, तो साइकिलिंग जब हम लोग करते हैं तो हम लोग पैडल को मूव आउट करते हैं, तो जब हम लोग मूव आउट करते हैं तो हमारी साइकिल क्या होती है एक कुछ सेकेंड या कुछ मिनट्स के बाद वो अपनी डिस्टेंस चेंज कर लेती है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है. इसका मतलब क्या है ये हमारी साइकिल और हम मोशन कर रहे हैं. बट कभी कभी ऐसा भी हमें देखने को मिला है, कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है लेकिन हम फिर भी मोशन में नहीं होता. ऐसा क्या होता है जब हम अपनी कंपेरिजन दूसरे के साथ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैं और मेरा फ्रेंड किसी बस में ट्रैवल कर रहा है, हम दोनों आमने सामने हैं, ठीक है हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आमने सामने हैं, तो बस तो मूव कर रही है बट हम दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में मूव नहीं कर रहे, वो जहाँ बैठा है वो वहीं है, हम जहाँ हैं हम वहीं हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों क्या है मोशन नहीं कर रहे. मोशन कौन कर रहा है, बस कर रही है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मोशन कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है. कई बार सडनली ऐसा हमें ट्रेन में भी देखने को मिलता है क्या कि जब मान लीजिए आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ चल रहे हैं, उसी पर्टिकुलर स्पीड के साथ आपके एडजेसेंट में कोई दूसरी चीज़ चल रही है, तो अगर हम लोग अगर साथ साथ में चल रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोगों की पोजीशन चेंज होती हुई नहीं दिखाई देती है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग मोशन में नहीं है. ओके ये तो बात हो गई मोशन की. इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं. तो मोशन बेसिकली हमारे टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके तो नाम से हमें पता चला कि यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रही है तो वो क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जाम्पल हम बाइक चला रहे हैं मान लीजिए और हम पहले दो मिनट में गाड़ी चलाते हैं 10 किलोमीटर, फिर अगले दो मिनट में फिर चलाते हैं 10 किलोमीटर, फिर अगले 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं. क्या यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है कि हम पर्टिकुलर टाइम के बाद पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हम क्या है एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं. बट अगर हम यही करते हैं कि हम
अच्छा ये छोटे बच्चे लोग हैं, इनको नई नई बाइक दे दिया थी तो ये लगते हैं उड़ाने। तो पहले सेकंड में ये क्या कहते हैं कि एक मिनट में तो स्टार्टिंग घर वालों के सामने देखते हैं तो उस समय गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाते हैं, तो उस समय इनकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। बट जैसे ये देखते हैं कि इनको रोड खाली मिली और घर से दूर चले गए, तो ये लोग अपनी बाइक की स्पीड में मतलब लेता है एक्सेलेरेटर ऐड देते हैं पूरा, और इनकी स्पीड हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर पे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस समय क्या कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कैसे, ये लोग जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल नहीं करते हैं, इनके डिस्टेंस और टाइम का वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, तो ये क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, कि जब कोई इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको मतलब बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके चलिए, ये तो बात हो गई मोशन की, मोशन के और मोशन के टाइप्स की, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम जब देख चुके हैं। अब इसे फर्दर जो चैप्टर में आता है वो आता है क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है हम बात करते हैं जब, तो डिस्टेंस क्या है, द टोटल पाथ ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम पे ए पे थी और कुछ समय के बाद वो बी पे चली गई, इसका मतलब क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके ए से बी पे चला गया। तो ए और बी के बीच में जो टोटल पाथ है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्टेंस। ओके, टोटल पाथ ही हमारा क्या कहलाता है, जो एक सर्टेन पॉइंट से एक अदर पॉइंट पे जाने की जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी यही होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई तो क्या होगा, डिस्प्लेस कर गई अपनी जगह से। बट डिस्प्लेसमेंट की जो एक्यूरेट डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर हम लोग मान लीजिए किसी ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, ए से चल के हम लोग बी पे जाते हैं, ओके हम लोग क्या किए, ए से बी पे गए, फिर बी से चल के ए पे आ गए वापस, बी से चल के ए पे वापस आ गए, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं डेफिनेशन पे, क्या, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, और हमारा फाइनल पॉइंट क्या हुआ, हम लोग ए से बी पे गए, बी से फिर ए पे आ गया, हमारा फाइनल पॉइंट भी हो गया ए, तो ए माइनस ए इक्वल टू जीरो, मतलब इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब क्या समझे आप, मतलब ये है कि हमारा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए से बी पे जाते हैं, बी से सी पे जाते हैं और फिर सी से ए पे आ जाते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, दिस टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, बट अगर कोई आपसे पूछ रहा था किस कंडीशन में हमारी क्या है, पहले ए से बी पे गए, बी से सी पे गए, फिर सी से ए पे आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गई हमारी ये टोटल पाथ, बट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि हम ए से गए थे, ए से जर्नी स्टार्ट की और ए पे ही आके खत्म हो गए, तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब हमारा डिस्टेंस, हम इसके दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ओके, हमारा क्या, हमने क्या देखा, डिस्टेंस नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो, बट डिस्प्लेसमेंट बी जीरो, ऐसा हमें कहां कहां देखने मिलेगा, या फिर हमारा इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे होते हैं, जो एथलीट होते हैं वो मैराथन में रेस करते हैं तो क्या करते हैं, पॉइंट दौड़ते हैं उसी पॉइंट पर आके उनकी रेसिंग खत्म हो जाती है, तो इनका क्या होता है कि हमारे 400 मीटर का स्क्वायर होता है, ये लोग रनिंग करके यहाँ जाते हैं फिर यहीं आके खत्म हो जाती है, तो इनका जो हो गया फाइनल इनिशियल पॉइंट सेम हो गया, तो ऐसी कंडीशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। ओके, तो हम लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की,
कि डिस्टेंस का हमारे डायरेक्शन पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, हम सबको जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, हाँ भाई यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, तो ये सारा मिला के हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या समझे आप, कि डिस्टेंस हमारा कौन सी क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। बट डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो हमारी केवल मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, डायरेक्शन उस पर कोई मैटर नहीं करता है, वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। बट वेक्टर क्वांटिटीज जो होती है हमारी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होती हैं। ओके, अभी तक तो बात हो गई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड, स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अकॉर्डिंग टू टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। ओके, एंड सेकंड थिंग इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा, बाबू ने अभी कुछ देर पहले स्केलर और वेक्टर पढ़ा था, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हमारी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फिर हमने देखा था कि हमारी डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होती है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कभी नेवर भी जीरो। स्पीड क्या हो जाएगा, नेवर भी जीरो। बट हमारी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकती है, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो सकती है, बी या जीरो इन अ सच कंडीशन। कुछ कंडीशन में क्या हो जाती है, ये कब हमारी जीरो हो सकती है, जीरो कब, जब आपका फाइनल और इनिशियल सेम होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ओके, चलिए अभी तक हमने बात की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, व्हाट एवरेज स्पीड। व्हाट एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी, और हम पहले एक घंटे में, पहले एक घंटे में 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर अगले दूसरे घंटे में, फिर एक घंटे में हम लोग कितना ट्रैवल करते हैं, 20 किलोमीटर, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग तीसरे घंटे में ट्रैवल करते हैं 25 किलोमीटर। तो इस कंडीशन हमारी टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल स्पीड क्या हो जाएगी, हमें फॉर्मूला क्या बोलते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मतलब हमने कितनी डिस्टेंस की, 10, 20, 25, 10 + 20 + 25, और टोटल टाइम कितना लिया हमने, 1 + 1 + 1, टोटल टाइम कितना लिया हमने, 3 आवर्स, 3 आवर्स का टाइम ले लिया हमने, क्लियर। तो यहाँ पे तो हो गए टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल टाइम। अब इसको ऐड कीजिए, 10 + 20 = 30, 30 + 25 = 55, 3, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारी किलोमीटर में थी, और ये हमारा टाइम जो था आवर्स में था, तो हमारा कितना गया, 55/3 किलोमीटर पर आवर। कई बार कंडीशन हमें ऐसी दे रखी थी, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें आंसर जो होता है किलोमीटर पर आवर में ना निकाल के मीटर पर सेकेंड में निकालना होता है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो जब हमें ऐसा कंडीशन कोई आती है और हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोगों का जो भी आंसर आया 55.3 को क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब हम सोचेंगे ये 5/18 आया कहाँ से,
देखिए 5/18 आए कहां से, हमको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000, ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड, 3600। नाउ अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे क्या जाता है यहाँ से 5/18। तो हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं, 5/18 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या हो जाएगा, ये हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में, किससे, किलोमीटर पर आवर से। इसको सॉल्व करके देखिए, हाँ कहीं कुछ कट रहा है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। हमने देखा एवरेज स्पीड, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। अब देखिए कैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है। मान लीजिए हमारी स्टार्टिंग पोजीशन पर हमारी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, और थोड़ी देर बाद हम जिन्हें अपने आपको पुशअप किया, हमने बाइक या खुद बाइक एक्सलेट कर रहे हैं या फिर खुद को पुशअप करके अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो हमने अपनी स्पीड क्या कर ली, स्टार्टिंग में फाइनल स्पीड हमारी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अगर हम कहेंगे कि हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो एवरेज वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला क्या देखा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। तो इनिशियली वी आर एट 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनली वी आर एट 20 किलोमीटर पर आवर होल अपॉन में 2। हमारा जो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 15 × 5/18 इसको सॉल्व करेंगे तो 25/6 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। ओके।